नमस्कार, मैं अजीत बोल रही हूँ अगरतला से। मैं आज आपको सिखाएंगे XPS 30 कीबोर्ड में जो ये पैटर्न सिक्वेंसर दिया, ठीक है। ये आज हम सिखाएंगे आपको। पैटर्न सिक्वेंसर में आप कोई भी रिदम, कोई भी लूप आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए मैं सिखाते आपको, ठीक है। तो पहले आपको जाना होगा पैटर्न सिक्वेंसर में, ठीक है, ऑन कीजिए। इसके बाद आप देखिए यूजर में जाना होगा। इसके बाद मैंने ड्रम ले लेंगे, ये ड्रम का स्विच ऑन कर दिया। इधर ड्रम का साउंड भी सुना सकते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद देखिए, ठीक है। इसके बाद टेम्पो में लेना होगा। टेम्पो मैंने स्लो कर दिया, देखिए ये तो 120 में लिखा है, मैंने 97 में रखेंगे, ठीक है। 97 में रखते, ठीक है, 97 में। इसके बाद एग्जिट कर दीजिए। इसके बाद पैटर्न लेंथ, ये देखिए पैटर्न लेंथ देना होगा। मैं पैटर्न लेंथ लूंगा 4, ठीक है। देखिए 4 लूंगा मैं, 8 होगा, ये 4 लेंगे, ये देखिए 4। इसके बाद आप एंटर की दीजिए, ठीक है। एंटर करने के बाद आप यस कर दीजिए, ठीक है। अभी हम लूप बनाएंगे, ये वाला रिदम देखे, ठीक है, देखिए, ठीक है। ये वाला देखे से मैं बनाएंगे, देखिए, ठीक है। तो मैं ये जो लाल रंग का बटन देखा है लूप का, ठीक है, स्विच, ये ऑन करके ये स्विच ऑन करना होगा, ठीक है, देखिए, लूप मेरा, ठीक है। अभी कोई भी स्विच मेरा नहीं दे रहा है, अब देखिए, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये लूप हो गया, रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। इसके बाद ऑफ कर देते, ठीक है। इसके बाद जो 2 नंबर का जो ये प्रेस पेड लिखा है, प्रेस पेड है, ये 2 नंबर प्रेस पेड में दे दिया, ठीक है। ये देखिए 2 नंबर प्रेस में ना आ गया। अभी 2 नंबर प्रेस में देंगे स्ट्रिंग का एक कॉर्ड देंगे, ठीक है, कॉर्ड, ठीक है। देखिए स्ट्रिंग मैंने दे दिया, ये वाला कॉर्ड देंगे, ठीक है। अभी दिखाते, देखिए, ठीक है। अभी फिर से ये सेम ब्लैक कॉर्ड देना होगा, इसके बाद ये स्विच देना होगा, ठीक है। मैं दे रही हूँ, देखिए, ठीक है। इसके बाद 3 नंबर जो स्विच है प्रेस पेड का, ये दे दीजिए, ये देखें 3 नंबर में आ गया। तो 3 नंबर में मैं रखेंगे, अभी समझ जाइए क्या रखेंगे, जैसे सीन देखते हैं, सीन देखते, ठीक है। ये साउंड रखेंगे आप, देखिए, ठीक है, आप देखिए। अब सेम लाल बटन ऑन करना होगा, इसके बाद ये ऑन करना है, ये लाल बटन ऑन, इसके बाद ये वाला, ठीक है, देखिए, इसके बाद आप राइट कर देना, ये जो राइट है ये सेव भी कर सकते हैं आप, ठीक है। ये राइट जो बटन है ये सेव कर दीजिए, ये देखिए सेव कर दिया। किसी भी नाम आप लिख सकते हैं इसमें, मैंने नाम तो नहीं लिखा, आप भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटर कीजिए, ये देखिए एंटर लिखा है, एंटर में आप दे दीजिए, ठीक है, ये देखिए, इधर एंटर हो गया। इसके बाद और भी एंटर कीजिए, सेव हो जाएगा, अभी इधर ओके कर दीजिए, बस सेव हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये मैंने बंद कर दिया, रही हूँ अभी, देखिए देखिए बंद कर दिया, ठीक है। तो अभी ये पैटर्न सिक्वेंसर में जाइए तो मिल जाएगा आपको, ये देखिए पैटर्न सिक्वेंसर में आया, इधर यूजर में जाइए, यूजर में जाने में आपका आपका साउंड अब देखिए,
11 में मेरा साउंड था, ये 11 में, ठीक है। अभी देखिए, तो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। नमस्कार।